फिल्म की शुरुआत में आप देखते हैं कि एक लड़की अपना सारा सामान एक गाड़ी में डालकर कहीं दूर रहने के लिए जा रही है। लेकिन जब वह शहर से दूर हाईवे पर गाड़ी चला रही होती है, तब वहां आसपास एक और ब्लैक कलर की गाड़ी दिखाई देती है, और जिस तरह से वो शख्स गाड़ी को चला रहा था, उसकी हरकतें कुछ अजीब लगती हैं। थोड़ा आगे जाने पर वह देखती है कि वही ब्लैक कलर की गाड़ी रास्ते के बीच में खड़ी है। वह सरफिरा ड्राइवर उसके पास में आकर कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे मदद की जरूरत है। लेकिन लड़की खतरा महसूस करती है, इसलिए फौरन अपनी गाड़ी भगाकर वहां से चली जाती है। रात को एक सुनसान रास्ते पर अचानक उसकी गाड़ी के टायर में पंचर हो जाता है। वह बड़ी मुश्किल से गाड़ी को काबू करती है, और जब वह देखती है तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर उसके टायर को किसी ने चाकू से काटा था। तभी वह शख्स वहां आता है और उस लड़की को जबरदस्ती बेहोश करके ले जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि वह एक कमरे में बंद है, यानी कि उसको किडनैप कर लिया गया है।